बापू के पसीने की बूंदों का हिसाब होना बाकी है। बापू के पसीने की बूंदों का हिसाब होना बाकी है। अभी तो फौज की वर्दी पहनना बाकी है। अभी तो फौज की वर्दी पहनना बाकी है। हाय गाइस, मैं नीता आप सबके सामने तरुणा डिफेंस एकेडमी में जो है आज कुछ साइंस के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि पीछे की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करें एक नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है उष्मा का एसआई मात्रक, यानी उष्मा के एसआई मात्रक की बात कर रहा। तो अगर मैं उष्मा के एसआई मात्रक की बात करूँ तो आपके सामने चार ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर दे दीजिए। तो देखिए इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो बी, यानी कि जूल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, सेकंड में बोल रहा है एक कैलोरी का मान होगा, यानी एक कैलोरी का मान कितना होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, 1.4 जूल, 4.18 जूल, 3.5 जूल, 5.18 जूल। तो अगर मैं इसमें से करेक्ट आंसर की बात करूँ तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड में सी नंबर, यानी 4.18 जूल। देखिए अगला क्वेश्चन, तीन नंबर, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। इसमें चार ऑप्शन है, उच्च तापमान, निम्न तापमान, क्रिस्टलों में वृद्धि, घर्षण और टूट-फूट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी निम्न तापमान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका चार नंबर क्या बोल रहा है, 0 डिग्री केल्विन पैमाने का मान होता है। चार मान है, 272 रोंग है, 274 भी रोंग है, 275। राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर, 273। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पाँच नंबर की बात करूँ तो पाँच नंबर में आपको बोल रहा है कि न्यूनतम संभव ताप है, यानी सबसे न्यूनतम संभव ताप पूछ रहा है। और चार ऑप्शन दिए हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फारेनहाइट, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री केल्विन। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो पाँच नंबर का आपका राइट ऑप्शन यानी सी, -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है, यानी केल्विन पैमाने के ऊपर जल का हिमांक पूछ रहा है। चार ऑप्शन दे रखे, 0 केल्विन, 100 केल्विन, 273 केल्विन, -273 केल्विन। तो सिक्स नंबर की बात की जाए तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, इसमें भी 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, आपके जब सिक्स सेवन्थ क्लास में होते हो तभी से साइंस की बुक में आपके ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता। तो देखिए 37 डिग्री फारेनहाइट रोंग, 95.3 डिग्री फारेनहाइट, 41 डिग्री फारेनहाइट रोंग। राइट क्या है, 98.40 फारेनहाइट आपका करेक्ट आंसर, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एट नंबर में आपसे बोल रहा है सेल्सियस तापमान है, यानी सेल्सियस तापमान के बारे में पूछ रहा है। उसके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक सापेक्ष तापमान, एक निरपेक्ष तापमान, एक विशिष्ट तापमान, एक सन्निकट तापमान। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिए। अगर मैं आठ नंबर की बात करूँ तो करेक्ट क्या होगा, सी, यानी एक विशिष्ट तापमान। अगला देखिए नौ नंबर, निम्नलिखित में से सही विकल्प, अभी आपके सेल्सियस और फारेनहाइट के फॉर्मूले की बात कर रहा है। और अगर राइट फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, C/5 = F-32/9, और ये किस में है, ए नंबर में है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ टेन नंबर की, तो वह पूछ रहा है कि वह ताप जिस पर फारेनहाइट व सेल्सियस पैमाने के पाठांक क्या होते हैं, दोनों के समान होते हैं। यानी बोल रहा है एक ऐसा ताप जिसके ऊपर फारेनहाइट और सेल्सियस जो पैमाने हैं उनका पाठांक समान है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, -37 डिग्री, -40 डिग्री, -45 डिग्री और -50। तो 10 नंबर का आपका बी नंबर, यानी कि 40 डिग्री, -40 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी झील की ऊपरी सतह हिमस्थित होकर बर्फ बन गई हो तो तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा, हिमस्थित यानी ठंडी होकर। इसमें चार ऑप्शन है, -10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और -4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस यानी सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, अगर 12 नंबर की बात की जाए तो इसमें पूछ रहा है जिस ताप पर फारेनहाइट व केल्विन पैमाने का पाठ्यांक समान होता है, यानी किस तापमान की बात कर रहा है, यानी कौन से तापमान की। तो इसके अंदर देखिए 437.25 डिग्री, 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा ही कट कर दो, 373 नहीं होता। आंसर की बात करूँ तो करेक्ट आंसर ए, यानी 12 में 577.25 डिग्री। अब आगे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, जल का हिमांक बिंदु है, यानी जल का हिमांक बिंदु कौन सा। चार ऑप्शन, 32 डिग्री फारेनहाइट राइट, 273 केल्विन राइट, 0 डिग्री सेल्सियस राइट। ये सभी, ये भी क्या है राइट, यानी ये तीनों ही क्या है, जल के हिमांक बिंदु है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, 14 नंबर की बात करूँ तो बोल रहा है कि
ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा, यानी ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में परिवर्तन पूछ रहा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जितना है उतना ही रहेगा। तो देखिए किसमें है ऐसा कि परिवर्तन नहीं होता, तो सी नंबर में, तो सी नंबर को क्या करना है आपको, टिक मार्क करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, परम शून्य ताप है, यानी परम शून्य ताप क्या है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 16 नंबर की, तो ये क्या बोल रहा है, ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है, यानी ऊष्मा संचरण की दर कौन सी विधि में अधिकतम होती है, और उसके लिए आपको कितने दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऊष्मा संचरण के लिए कौन सी हो जाएगी, इन 4 में से सी नंबर यानी विकिरण आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और अगर बात की जाए गैसों की और द्रव की, तो उसके लिए कौन सी होती है, संवहन होती है, इसका क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। आगे देखिए ठोसों में ऊष्मा संचरण की विधि है, यानी ठोसों के अंदर ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, संवहन, विकिरण, चालन। तो करेक्ट आंसर की बात करूँ तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यानी चालन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सर्दियों में हीटर द्वारा कमरा गर्म होने की विधि, यानी जब सर्दियों में हम कमरे के अंदर हीटर लगाते हैं ताकि कमरा क्या रहे, गर्म रहे, और हमें क्या मिले, गर्मी मिलती रहे, जिससे हमें सर्दी से बचाव हो सके। तो इसके अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो इसका कौन सा हो जाएगा, देखिए 18 में बी नंबर यानी संवहन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर, सूर्य की किरणें किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुँचती हैं, ये बोल रहा कि सूर्य की किरणें कौन सी विधि के द्वारा पृथ्वी के ऊपर पहुँचती है। मान लीजिए ये आपका क्या है, सूर्य है, इससे जो किरणें रे आती हैं ये जो पृथ्वी के ऊपर पहुंचती हैं, ये किसके द्वारा पहुंचती हैं या कौन सी विधि के द्वारा नीचे पहुंचती हैं, ये पूछ रहा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करो, विकिरण, यानी विकिरण के द्वारा क्या होती है, किरणें, सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर पहुंचती हैं। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 20 नंबर, ये बोल रहा है कि एक लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने से दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, इसका कारण है, यानी मान लीजिए ये कोई लोहे की छड़ है, अगर मैं इसको आगे से गर्म करूँगी तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा, चालन की होगी, यानी आगे से आगे होता जाएगा और पीछे का सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये कौन सी विधि है, चालन, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा, निम्न में से संवहन है, और मैंने बोला था आपको आगे क्वेश्चन आएगा, अगर संवहन की बात की जाए तो देख लीजिए जिसमें भी गैस और द्रव है, पहले में क्या ठोस आ गया, तो पहला तो सीधा ही कट कर दो, फर्स्ट कट हो गया, सेकंड में क्या रह गया, गैस भी आ रहा है और द्रव भी, तीसरों में गैस और ठोस आ गया, ये भी रहोगे, यानी कि बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए जल्दी से, अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए 22 नंबर की, तो क्या बोल रहा है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि ये बोल रहा कि ऊनी कपड़े अगर हम पहनते हैं तो ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। सर्दियों में हम उनकी स्वेटर वगैरह, सोल वगैरह का यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या हो, सर्दी से बचाव हो सके और वो हमारे शरीर को गर्म रखे। तो गर्म रखने का कारण क्या है, ऊन क्या होती है, बाह्य पदार्थों से विकिरण ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, यानी बाहर से जो विकिरण किरणें आते हैं उनको अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर की बात की जाए, तो ये बोल रहा है कि किसी पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा सदैव कैसी होती है, तो इसमें देखिए 23 नंबर के करेक्ट ऑप्शन बी, यानी इसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। अगला देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, ये पूछ रहा किससे अधिक जलन पैदा होती है, उबल पिंगली हुई बर्फ से नहीं होती, भाप से होती है, गर्म पानी से कम होती है, उबलते हुए पानी से भी कम होती है, ये क्या पूछ रहा आपसे, सबसे अधिक, तो अधिक की बात की जाए तो भाप क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहा है, किसमें होती है, कांच में नहीं होती ज्यादा, सीसा में नहीं होती, तांबा में, बचा क्या, जल, यानी कि डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर में आपसे बोल रहा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा आपकी होती है 4200 जूल पर केजी, तो देख लीजिए कौन से में डी में है, तो डी नंबर करेक्ट कर दीजिए। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो 27 नंबर आपको क्या बोल रहा है कि ये पूछ रहा विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक, और विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए आप सबको मैंने पिछली क्लास में करवाया था, एक बार क्लास पीछे जाकर देख लीजिएगा, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, यानी बी ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पूर्णकर्षणिका का प्रावर्तन गुणांक होता है, अगर पूर्णकर्षणिका के प्रावर्तन गुणांक की बात की जाए तो क्या होता है, 0, यानी कि ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन,
29 यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका ये इस चैप्टर का। तो ये बोल रहा है वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए, यानी ऊष्मा ऊर्जा को इसमें बदलने की क्रिया क्या कहलाती है या इससे किसमें बदला जाता है, तो क्या हो जाएगा ऊष्मा इंजन, यानी सी नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने जो है 29 क्वेश्चन किए हैं। इन किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी 29 क्वेश्चन आज करवाए हैं पीछे की दो क्लासों को लोगे तो आपके सारे क्लियर डाउट हो जाएंगे, यानी जितने भी डाउट है वो सारे क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए डेली क्लास को लगाइए ताकि आप जल्दी से अपने एग्जाम को निकाल सकें। अभी जुलाई में आप लोगों के आर्मी का पेपर भी है तो डेली कंटिन्यू क्लासे लगाइए। अगर आप जिस टाइम हम लोग क्लास लाइव चलाते हैं उस टाइम आपको टाइम नहीं है, नहीं ले पाते हैं, तो उसके बाद में जब भी आप फ्री हो क्लास देखा कीजिए और आगे से आगे क्लास को शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद जय भारत।